नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएस राजामौली की अपकमिंग मूवी ट्रिपल आर की प्रिडिक्शन के बारे में, यानी दोस्तों फिल्म के बजट, फिल्म कितनी स्क्रीन पे रिलीज होगी और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे हिट होने के लिए आखिर कितने करोड़ की बिजनेस करने होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों RRR यानी दोस्तों राइस रॉर रिबोट, जिसे डायरेक्ट किया है एसएस राजामौली, जिन्होंने दोस्तों इससे पहले भी बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं इंडस्ट्री पे। वही दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस किया है डीबीबी दनैया और फिल्म में म्यूजिक दिया है एमएम किराबानी सिंह ने। वही दोस्तों फिल्म 5 भाषाओं के साथ रिलीज होगी, तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नाडा और मलयालम। यानी दोस्तों फिल्म ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज से शूट किया जाएगा और इस फिल्म को साथ ही साथ हिंदी, तमिल, कन्नाडा और मलयालम यानी दोस्तों पूरे 5 भाषाओं के साथ रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी 8 जनवरी 2021, यानी दोस्तों 2021 के संक्रांति फेस्टिवल ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। स्टार कास्ट की अगर बात की जाए, जबकि दोस्तों ये फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा पीरियड फिल्म होने वाला है, इसलिए दोस्तों इस फिल्म में कई कलाकार देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वही अगर बात करें लीडिंग रोल की, दोस्तों इस फिल्म में लीडिंग रोल पे भी कई कलाकार देखने को मिलेगा, जैसे कि दोस्तों JRNTR, राम चरण, हॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस, अजय देवगन, श्रीमती करानी रॉय और रे स्टीवेंसन और अलिस्टन डेट्टी। एक बिग बजट मूवी होने वाला है। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की बजट की, तो दोस्तों इस फिल्म के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होने वाला है 350 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म के प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट 20 करोड़ रुपए, यानी दोस्तों ट्रिपल आर मूवी के टोटल बजट होंगे 370 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है फिल्म को अगर बॉक्स ऑफिस पे क्लीन हिट भी होने हैं फिर भी 450 करोड़ के ऊपर बिजनेस करने होंगे। लेकिन दोस्तों ही अगर बात करें फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस, यानी दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले की इनकम की, तो दोस्तों RRR मूवी के डिजिटल राइट्स, यानी दोस्तों फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके हैं 150 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के सेटेलाइट राइट्स, यानी दोस्तों फिल्म को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके हैं 200 करोड़ रुपए में और फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके हैं लगभग 50 करोड़ रुपए में। यानी दोस्तों RRR मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेस कर लगभग 400 करोड़ की रिकवरी कर ली है। स्क्रीन काउंट की अगर बात की जाए, तो दोस्तों RRR मूवी को इंडिया में लगभग 5500 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर इस फिल्म को 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। यानी दोस्तों एसएस राजामौली की अपकमिंग मूवी RRR को टोटल वर्ल्ड वाइड 8500 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए, तो दोस्तों फिल्म पूरे 5 भाषाओं के साथ संक्रांति फेस्टिवल रिलीज होगी और इस फिल्म का सरसा यानी दोस्तों इस फिल्म का बस कुछ ऐसा बना हुआ है, फिल्म रिलीज होते ही एक्सपेक्टेड इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन पहले दिन कर सकते हैं 120 से लेकर 140 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म को अगर नेगेटिव रिव्यू मिलता है अपने ऑडियंस से, तो दोस्तों RRR मूवी फिर भी लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफिस में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर सकेगी 450 करोड़ रुपए। वही अगर फिल्म को नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स्ड रिव्यू मिलता है अपने ऑडियंस से, तो दोस्तों RRR मूवी इंडिया बॉक्स ऑफिस पे लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन कर सकेगी 1000 करोड़ रुपए। और अगर दोस्तों फिल्म को अच्छे और पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं अपने ऑडियंस से, तो दोस्तों RRR मूवी लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफिस पे 2500 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर सकेगी, जो कि दोस्तों फिल्म के लिए ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम साबित होगा। तो दोस्तों आपके हिसाब से RRR मूवी लाइफ टाइम टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कितने करोड़ की कर सकेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेगा, वीडियो को प्लीज एक लाइक करेगा। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।